कक्षा 8 एक्सरसाइज 2.1 इसका प्रश्न है, निम्न समीकरणों को हल कीजिए। मेरे सामने अभी प्रश्न 6 और 7 हैं, इसमें से हम सबसे पहले प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। देखिए t बटा 5 बराबर है 10 के। हमने कहा था कि जो भी हमारे पास चर होगी x y z a b c t जो भी होगा उसे हमने अकेला छोड़ना है। ऐसे प्रश्नों को बच्चे हल करने के लिए क्या करें, बराबर के नीचे सबसे पहले बराबर का निशान लगाएं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पर चर है लेफ्ट साइड पे, तो जो राइट साइड पे लिखा है उसको ऐसे का ऐसे लिख दीजिए क्योंकि वो अपने घर में पहले से बैठा है। उसके बाद यहां पर हमने टी को अकेला छोड़ना है, बाकी इसके साथ है भाग 5। तो हमने आपको बताया था ये भाग 5 जो है इसे हम उधर लेकर जाएंगे, इस तरफ लेकर जाएंगे। कैसे, हमने कहा था जो भी यहां पर मैथ का ऑपरेशन हो रहा हो प्लस माइनस भाग या गुना वो उल्टा हो जाता है। तो 5 यहां पर भाग हो रहा है टी के साथ, तो उधर जाके भाग का उल्टा होता है गुना। 5 यहां टी के साथ भाग हो रहा है, उधर जाके हो जाएगा गुना। तो टी बराबर 10 गुना 5 कितना होता है, 50। बस ये टी का मान आ गया। ये बहुत आसान प्रश्न है, इन्हें थोड़ा ध्यान से करने की जरूरत है बस। अगला सवाल देखिए, इसमें है 2x बटा 3 बराबर 18। इसे हम कैसे हल करेंगे। मैंने कहा x इस तरफ है तो दूसरी तरफ के नंबर को हम वैसे ही लिख लेंगे। अब हमें x को अकेला छोड़ना है, देखिए कैसे। x को अकेला छोड़ने के लिए ये 2 और 3 दोनों उधर जाएंगे, लेकिन हमें देखना होगा कि इन दोनों का x के साथ क्या संबंध है। देखिए x मैंने यहां लिख दिया, 2x के साथ हो रहा था गुना, 2 और x के बीच में कोई निशान नहीं है, इसका मतलब ये आपस में हो रहे हैं गुना। यदि 2x के साथ गुना हो रहा है तो जब ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा भाग। ऐसे क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि ये x के साथ गुना हो रहा है, तो जब ये बराबर के उधर जाएगा तो ये हो जाएगा उस संख्या से भाग। इसी प्रकार से 3 x के साथ भाग हो रहा है तो ये उधर जाकर क्या हो जाएगा, गुना। आया बच्चों समझ। 2x के साथ गुना हो रहा था, उधर जाके हो गया भाग। 3x के साथ भाग हो रहा था तो उधर जाके हो गया गुना। अब हम इसे हल करेंगे। x यहां पहले से है, बराबर यहां है, देखिए 18 और 3 आपस में गुना हो रहे हैं, लेकिन 18 और 2 आपस में भाग हो रहे हैं, तो 2 के पहाड़े में 18 कट जाएगा, 9। हमारे पास बन गया 9 गुना 3, तो x आ गया 9 तिया होता है 27। यही x का मान है। आइए इसके कुछ और प्रश्न देखते हैं। हमारे पास इसका प्रश्न नंबर 8 है, 1.6 बराबर y बटा 1.5। हमने कहा था सबसे पहले आप क्या करो, बराबर के नीचे बराबर का निशान डालो। अब आप देखो कि चर किस तरफ है, लेफ्ट साइड या राइट साइड। इस प्रश्न में चर राइट साइड है, तो जो लेफ्ट साइड का नंबर है उसको हम ऐसे ही लिख लेंगे। ये आ गया वाई। 1/5 वाई के साथ क्या हो रहा है, हम देखेंगे इसका चर के साथ क्या संबंध है। 1.5 वाई के साथ क्या हो रहा है, भाग। तो ये जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। भाग का उल्टा होता है गुना। y के साथ 1.5 भाग हो रहा था, जब ये बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, उल्टा यानी कि गुना हो जाएगा। अब इसे ही हमें हल करना है। देखिए 1.6 को 1.5 से हमें गुना करना है। 6 × 5 = 30, हासिल आया 3, 5 × 5 = 3 = 8, 1 × 6 = 6 और 1 × 1 = 1, तो ये आ गया 0, 8 × 6 = 14, हासिल आया 1, 1 × 1 = 2, ये आ गया 240। दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक, टोटल हो गए 2 अंक, तो 2 अंक छोड़कर दशमलव, तो ये आ गया 2.40 यानी कि 2.4 बराबर y। इसका मतलब हमने y का मान निकालना था, तो वो हमारे पास आ गया है 2.4। यही हमारा प्रश्न था। हमारे पास अगला प्रश्न है 7x माइनस 9 बराबर 16। ये हमारा प्रश्न है। तो देखिए इसमें चर किस तरफ है, लेफ्ट साइड पर। यहां पर लेकिन दो पद हैं, 7x और -9, इन्हें हम एक एक करके उस तरफ लेके जाएंगे। बच्चों आई रिपीट, पहले आपके पास एक ही पद हुआ करता था, लेकिन अब हमारे पास दो पद हैं, इनमें से इन्हें हम एक एक करके बराबर के उधर लेकर जाएंगे। देखिए सबसे पहला काम क्या है, बराबर के नीचे बराबर। चर लेफ्ट साइड पे है तो राइट साइड वाले पद को ऐसे का ऐसा ही लिखना। अब इसके बाद x के साथ
ये यहाँ पर दो पद है, एक सात एक्स एक है नौ, तो सबसे पहले जो हमारी चर है उसको छोड़कर जो दूसरा पद है पहले उसको शिफ्ट करेंगे। ये माइनस नौ है, जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस नौ। बच्चों इस बात का खास ध्यान रखना, सबसे पहले लेके तो सात को भी उधर जाना है, लेकिन जो चर के साथ है उसको बाद में, लेकिन जो चर से दूर है वो पहले उधर जाएगा। तो यहां बाकी बच गया सात एक्स। दोबारा देखिए, ये जो नौ माइनस नौ था ये उधर जाकर हो गया प्लस नौ, यहां बच गया सात एक्स। तो बराबर के नीचे बराबर, सोलह प्लस नौ होता है पच्चीस, यहां है सात एक्स। अगले स्टेप में अब एक्स को फिर अकेला छोड़ेंगे, सात एक्स के साथ क्या हो रहा है देखिए, यहां पे कोई निशान नहीं है तो सात एक्स के साथ क्या हो रहा है, गुना। यहां ये गुना हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। पच्चीस सात से भाग हो नहीं सकता, इसलिए यही एक्स का मान है। एक और प्रश्न इस एक्सरसाइज का बच्चों हम देखते हैं, यह एक्स बटा तीन प्लस एक बराबर सात बटा पांच। इसे हल करने के लिए सात बटा पंद्रह सॉरी, तो देखिए सात बटा पंद्रह ऐसे ही लिखा बराबर के नीचे। यहां पर फिर से दो पद हैं एक्स बटा तीन और एक, जो एक्स से दूर है वो पहले उधर चला जाएगा। ये प्लस एक है, उधर जाके हो जाएगा माइनस एक, यहां बच गया एक्स बटा तीन। अब इसे हम कैसे हल करेंगे, एक के नीचे कुछ नहीं है तो एक, पंद्रह और एक का जो लघुत्तम होगा वो होगा पंद्रह। अब नीचे वाले से भाग ऊपर वाले से गुना, बड़ा सिंपल सा फार्मूला है। देखिए पंद्रह को पंद्रह से भाग किया तो उत्तर आया एक, एक को ऊपर सात से गुना कर देंगे, एक सात सात माइनस, पंद्रह को एक से गुना किया पंद्रह, पंद्रह को ऊपर एक से गुना कर दिया फिर से सॉरी पंद्रह को एक से भाग किया पंद्रह, उस पंद्रह को ऊपर एक से गुना कर दिया तो हमारे पास आ गया पंद्रह। तो एक्स बटा तीन यहां पर था, उसको ऐसे ही लिख दिया। अब हमारे पास क्या होगा, देखिए यहां पर नीचे हर है पंद्रह, इसकी हर है पंद्रह, ऊपर है सात माइनस पंद्रह, प्लस माइनस माइनस, पंद्रह में से सात निकाले आठ, सात में साइन लग जाएगा बड़ी रकम का, बड़ी रकम है पंद्रह, उसके साथ साइन है माइनस का, तो यहां लग जाएगा माइनस, और यहां बाकी पहले से बचा हुआ है एक्स बटा तीन। अब इसको हमने हल कर दिया, अब ये जो तीन है ये उधर जाएगा, क्योंकि हमने कहा था समीकरण का मान निकालने के लिए एक्स को अकेला छोड़ना होता है। तो देखिए बराबर का निशान है, यहां माइनस आठ बटा पंद्रह है, तीन एक्स के साथ क्या हो रहा है, भाग, उधर जाके क्या हो जाएगा, गुना। यही हमने सीखा ना कि प्लस या माइनस का जो निशान है वो उल्टे हो जाते हैं जब वो बराबर वाले निशान को क्रॉस करते हैं। तो तीन यहां भाग हो रहा था, उधर जाके हो गया गुना, तीन से पंद्रह कट जाएगा, तीन पांच पंद्रह, पांच और आठ आपस में भाग हो नहीं सकते, इसलिए एक्स का जो मान आएगा वो आएगा आठ बटा पांच, आठ के साथ माइनस का भी निशान है वो साथ में लग जाएगा, तो ये एक्स का मान है माइनस आठ बटा पांच। बच्चों इस प्रकार से आपने देखा कि समीकरणों को हल कैसे किया जाता है, एक्स वाई जेड जो भी चर हो उसको अकेला छोड़कर। तो ये हमारा प्रश्न है, और इस पे जो बाकी प्रश्न है वो आप स्वयं कर लीजिए।